की वीडियो में जीके जीएस के 15 क्वेश्चन लेके आए हैं जिनको हम 50 क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। आप नोट्स बना लीजिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ में, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ है। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। चिकनकारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा है हैदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा शहर है सिकंदराबाद। हैदराबाद को बसाया था कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद में है चार मीनार है हैदराबाद में। हुसैन सागर झील है हैदराबाद में। बिरला मंदिर है हैदराबाद में। सालारगंज संग्रहालय है हैदराबाद में। मोतियों या निजामों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। जामा मस्जिद है दिल्ली में। इंडिया गेट है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। लाल किला है दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में। महाभारत काल में दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नोट्स जरूर बना ले आप अपने। इसके बाद है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून में। पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए 1951 में। भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1951 में, जो चली थी 1951 से 56 तक। भारत में पहली बार स्वतंत्रता के बाद चुनाव हुए थे 1951-52 में। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1961 में। 1972 में भारत में पिन कोड की शुरुआत की गई थी। 1973 में 1971 के युद्ध के बाद 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था 1972 में। 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिम कार्बेट नेशनल पार्क से 1973 में। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी ग्रामीण बैंकिंग से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सपनों की नगरी कहा जाता है मुंबई को। सबसे अधिक कर की प्राप्ति होती है महाराष्ट्र सरकार से, केंद्र सरकार को। प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं महाराष्ट्र में। गेटवे ऑफ इंडिया है महाराष्ट्र में। बिहार सबसे गरीब राज्य है भारत का, बिहार। जनसंख्या में बिहार का स्थान है तीसरा और क्षेत्रफल में बिहार का स्थान है 12वां। बिहार का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। इसमें जिले हैं 38। याद रखिएगा आप छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है छत्तीसगढ़। राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ का मुख्यालय है बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? आंसर है ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। सबसे अमीर लोग रहते हैं लंदन में।
जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। सीन नदी के तट पर बसा है पेरिस। अमेरिका, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन। तातीपाका का तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। राजधानी है अमरावती। असम में है डिगबोई, रिफाइनरी है डिगबोई। यह सबसे पहले रिफाइनरी बनाई गई थी 1901 में असम राज्य में। राजधानी है दिसपुर। तातीपाका का तेल शोधनशाला किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। राजधानी है अमरावती। असम में है डिगबोई में तेल शोधनशाला। स्थापना हुई 1901 में सबसे पहले। असम में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तर प्रदेश में है मथुरा पुष्करणी, मथुरा रिफाइनरी। इंडियन ऑयल का स्वामित्व है इस पर। कर्नाटक में है मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल उद्योग। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? आंसर है ऑप्शन ए गेहूं। सर्वाधिक अनाज खाया जाता है भारत में चावल। गेहूं उत्पादन सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में। धान सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिमी बंगाल में। मक्का सर्वाधिक उत्पादन होते हैं कर्नाटक राज्य में। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र राज्य में। याद रखिएगा। इंडिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा थोक बाजार है ये दिल्ली में, एशिया का। कोलकाता भारत की वैज्ञानिक नगरी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। हुगली नदी के तट पर बसा है कोलकाता। बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। याद रखिएगा। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अहमदाबाद। दिल्ली है ये भारत की राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल चलाई थी गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। रेल दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। याद रखिएगा। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1857 में प्लासी का युद्ध हुआ था सिरोजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1953 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसने आमदनी कर की शुरुआत की थी? आंसर है ऑप्शन सी जेम्स विल्सन ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी जेम्स विल्सन। भारत के बड़े बंदरगाह में किसका नाम बदलकर दीनदयाल फोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह। यह है गुजरात राज्य में। नाहवा सेवा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह है महाराष्ट्र राज्य में। एनोर बंदरगाह, यह है तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट पर। तूतीकोरिन बंदरगाह है, यह भी तमिलनाडु राज्य में है तूतीकोरिन में। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर है 1 जनवरी 2015 को। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 4 वर्ष के बाद। राज्यसभा का चुनाव होता है भारत में 6 वर्ष के बाद। और प्रत्येक वर्ष जनगणना होती है भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया?
आंसर है ऑप्शन बी 1948 में, याद रखिएगा 1948 में। 1 अप्रैल 1936 को हुई थी उड़ीसा राज्य की स्थापना। 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी भारत में, यानी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। आम चुनाव हुए थे 1951 में स्वतंत्रता के बाद। 1956 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी भाषा के आधार पर, राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1956 में। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है, सबसे कम द्रव्यमान किस ग्रह का है? आंसर है ऑप्शन डी बुध ग्रह का, सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह सौरमंडल यानी सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है 88 दिन में। वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है वरुण ग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, बृहस्पति ग्रह। और लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।